महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकरा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो rishto.com जी टीम सां. rishto.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी. उल्हासनगर शहरातील धोकादायक अतिधोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याविषयी SVS कोर कमिटीच्या वतीने उल्हासनगर महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेमध्ये उल्हासनगर शहरातील धोकादायक अतिधोकादायक इमारतींच्या प्रश्नांविषयी अनेक मुद्दे घेण्यात आले. याविषयी अधिक माहिती दिली समाजसेवक राम वाधवा यांनी. साई हिरानंद जी की अध्यक्षता में SVS कोर कमेटी द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका यानी कि PIL उल्हासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के विरुद्ध धोखादायक इमारतों के बारे में आज दाखिल की गई है. देखिए, जो हमारी मेन मुख्य मांग है PIL की, वो ये है कि जो कॉरपोरेशन 15 दिन का नोटिस देकर के लोगों को बिना कुछ अल्टरनेट दिए लाइट और पानी काट रही है, जिसकी वजह से लोगों को उन बिल्डिंगों में अपने घरों में बिना लाइट और पानी के रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट कॉरपोरेशन ने की नहीं है. ये हमने एक मांग की है. दूसरी मांग हमारी है कि डीफॉर्म जो है वो जल्द से जल्द आने वाले दिनों में इमीडिएटली लोगों को डीफॉर्म दिया जाए, ये हमारी मांग है. इसके अलावा 4 FSI की मांग, लोगों को पर्याय जगह देने की मांग, इस तरह की काफ़ी सारी मांगें जो है हमने रखी है. देखिए, नेताओं की बात करेंगे तो जितने नेता उतनी बातें हमारी शहर में होती है. हर पक्ष का नेता जो है वो अलग बातें करता है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि ये एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है. आने वाले दिनों में उल्हासनगर में चुनाव होने हैं तो वो अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए कुछ भी बताते हैं. लेकिन अब हाईकोर्ट में कॉरपोरेशन को एफिडेविट करके जवाब देना होगा, तो वो जो भी सच्चाई है, जो रियल में हो रहा है, वो अब सामने आ जाएगा शहर की जनता के. और हम लगातार SVS कोर कमेटी इस विषय को फॉलोअप करेंगे और जो भी तरह की जानकारी कॉरपोरेशन कोर्ट में दे रही है वो सब हम टाइम टू टाइम सब जनता के सामने लाएंगे. देखिए, हमारे आदरणीय साई हिरानंद जी की अध्यक्षता में SVS कोर कमेटी लगातार लोगों को न्याय और हक दिलाने का काम कर रही है. इस बार क्या हुआ है कि कॉरपोरेशन और कोर्ट सिर्फ यही दो थे. पब्लिक का जो पक्ष था वो कोर्ट में किसी ने नहीं रखा. सिर्फ मोर्चे निकालने, आंदोलन करने से नहीं होता है. जो लीगल काम है वो लीगल तरीके से होता है, जिसके लिए कोर्ट जाना रहता है. तो हम अब जनता की आवाज़ लेकर के SVS कोर कमेटी साई हिरानंद जी की अध्यक्षता में हाईकोर्ट पहुंची है. PIL दाखिल हुई है. अब कोर्ट भी जनता की जो तकलीफ है हम उनके आगे रखेंगे, तो ज़रूर वो सब देख के जो सही ऑर्डर होगा, सही आदेश होने चाहिए, वो मिलेगी और जनता को जल्द से जल्द राहत मिलेगी. इसी के लिए मेरी सभी शहरवासियों से और जो धोखादायक इमारतों में लोग रह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द वो भी आकर के SVS कोर कमेटी से मिले. उनकी भी जो तकलीफ है, जो उनकी परेशानियां हैं, वो भी हम कोर्ट में, हाईकोर्ट में, हमारे PIL में कोर्ट के आगे रखेंगे. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.